एक जुलाई से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं जिनका सीधा असर आम जीवन पर पड़ेगा। नए महीने से बैंकिंग, TDS, लाइसेंस से लेकर कैश निकालने तक के नियमों में बड़ा बदलाव होगा। SBI से पैसा निकालना महंगा तो होगा, अब लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकेगा। 1 जुलाई से ATM से पैसा निकालने और चेकबुक का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बेसिक सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट पर यह सभी नियम लागू होंगे। SBI के ATM या बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना फ्री होगा। इसके बाद यानी फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर 15 रुपये और GST देना होगा। इसके अलावा आप चेकबुक लेने के लिए भी आपको ज़्यादा चार्ज देना होगा। तो वहीं आयकर विभाग रिटर्न नहीं भरने वालों से 1 जुलाई से ज़्यादा TDS, TCS वसूलने की तैयारी कर रहा है। आयकर विभाग ने तय किया है कि जिन्होंने पिछले 2 वर्षों से आयकर रिटर्न जमा नहीं किया उनसे अब सख्ती से निपटा जाएगा। यह नियम उन टैक्स पेयर्स पर लागू होगा जिनका सालाना TDS 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा होता है। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों के लिए लागू दर से अधिक पर टैक्स डिडक्शन का प्रावधान है। न्यूनतम 5% या संबंधित सेक्शन में दिए गए रेट्स का 2 गुना में अधिक हो वह रेट होगा। वहीं सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक में मर्ज हो चुका है, इसलिए अब 1 जुलाई से बैंक के IFC कोड बदले जा रहे हैं। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को अपनी बैंक शाखा के लिए नए IFC कोड लेना होगा।